गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो हमने बनाया है वार्षिक पाठ योजना की डायरी को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक सावधानियां कौन सी है जो हमें रखनी चाहिए, महाविद्यालय ने क्या प्रारूप तय किया है डायरी लेखन का, आज हम उस पर बात करेंगे। चलिए फटाफट, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते और तुरंत सीधे मुद्दे पर आते हैं कि डायरी लेखन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरी लेखन के मुख्य प्रश्न की। जो आपका मुख्य प्रश्न है, मेन प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, उस पर जो आवश्यक पूर्तियां होती है उसे अवश्य करना चाहिए। और लैमिनेट होता है, एक प्लास्टिक शीट आती है, ट्रांसपेरेंट शीट आती है, उससे आपको उस पर कवर चढ़ाना है और जिससे उसकी जो पूर्तियाँ हैं वो साफ साफ स्पष्ट हमें दिखाई देंगी और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे उनको भी दिखाई देगी। चलिए अब डायरी को हम खोलते हैं और आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। खुलने के बाद का, डायरी खुलने के बाद का जो प्रथम प्रश्न है, उस प्रथम प्रश्न पर आपको क्या क्या पूर्तियां करनी है वो देखिए। सबसे पहले आपको महाविद्यालय का नाम लिखना है, भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अनंतपुरा कोटा, हिंदी में लिखना चाहते हैं, भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अनंतपुरा कोटा। फिर आपको सत्र डालना है कि किस सत्र की डायरी है, किस सत्र के विद्यार्थी हैं जो अपना लेसन प्रैक्टिकल में डिलीवर करने जा रहे हैं, सत्र 2021, यहाँ डेट नहीं लगानी है आपको। आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, रोल नंबर आपको वहाँ लिखना है, किस विषय की आपने पाठ्य योजना बनाई है उस विषय को भी यहाँ पर अंकित करना है। आपकी पाठ योजना में यह भी अंकित होना चाहिए कि यह आपकी फर्स्ट प्रिफ्रेंस है या सेकंड, अर्थात आपका फर्स्ट वरीयता है, प्रथम वरीयता है या द्वितीय वरीयता है। एक छोटा सा सैंपल जिसे आप नमूना कहते हैं वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में शो किया है यहाँ पर, कि इस तरह से अर्धचंद्राकार आप क्या कर लेंगे, अर्धचंद्राकार में कॉलेज का नाम लिख लेंगे, भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। फिर आप देखेंगे एक लाइन है सेंटर में, उसमें हमने सत्र लिखा है 2021, फिर नाम है, पिता का नाम है, रोल नंबर है, विषय है और वरीयता है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अब आते हैं हम लिखने पर। आप डायरी को जब भी लिखेंगे वार्षिक पाठ योजना के लिए तो सिर्फ दो ही पेन का प्रयोग करेंगे, या तो काले का या नीले का। काले रंग का प्रयोग कहाँ करना है आपको, जो हेडिंग होती है, जैसे शिक्षण बिंदु लिखा आपने, छात्र अध्यापिका कथन लिखा, विकासात्मक प्रश्न लिखे, प्रस्तावना प्रश्न लिखे, चार्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है वो लिखा, उसके लिए आप काले पेन का प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी कंटेंट लिखा जाएगा, जो निश्चित प्रारूप में डायरी लिखी जाएगी, जो प्रारूप महाविद्यालय ने आपको पूर्व में बता दिया है, उसको आपको ब्लू पेन से ही लिखना है और आपको ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी वार्षिक पाठ योजना आप डायरी में चेक करने के बाद जब आप उसमें लिखेंगे, अंकित करेंगे, उतारेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरी का एक पेज आपको खाली छोड़ना है, उल्टा जो पेज है वो आपको खाली छोड़ना है, एक ही पृष्ठ पे आपको लिखना है। अब ये पेज हम खाली क्यों छोड़ते हैं, जहाँ भी हमने चार्ट का प्रयोग किया है, जहाँ भी हमने मॉडल का प्रयोग किया है, तो चार्ट के छोटे रूप को मिनिएचर कहा जाता है, तो उसका प्रतिरूप बिल्कुल हूबहू उसका प्रतिरूप हमें वहाँ पर एरो लगाते हुए शो करना होता है, इसलिए डायरी का ये पेज खाली छोड़ा जाता है। इसका प्रयोग मात्र और मात्र, मतलब केवल और केवल मिनिएचर को प्रदर्शित करने के लिए, मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वार्षिक पाठ योजना की डायरी जब भी आप लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लेखन है, हस्तलेख है, वो साफ सुथरा, मतलब स्पष्ट, सरल और बोधगम्य होना चाहिए। उसमें हस्तलेख में कहीं भी काटा फांसी जो होती है गलती से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में आपको उसे लिखना है। अब आते हैं हम मूल्यांकन पर। जब आपने प्रस्तुत पाठ योजना बना ली है, जो भी आपको कंटेंट मिला था, जो भी प्रकरण आपको मिला था, जब आपने वो बना लिया है, मूल्यांकन करते समय आपको ये याद रखना है वहाँ पर लिखते समय, क्योंकि डायरी में तो डायरी में ही लिखना है आपको मूल्यांकन, आप उसमें जितने भी
आपने कोष्टक बनाए हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स बनाए हैं, हेल्पिंग बॉक्स दिया है, उसमें उत्तर आपको जरूर शो करना है। एक और ध्यान रखने योग्य बात, क्योंकि हम बात आज कर रहे हैं इस वीडियो में वार्षिक पाठ योजना की, ईयरली जो आपका लेसन प्लान है उसकी, तो ईयरली लेसन प्लान की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान रखना होता है कि हम इसमें कभी भी गृह कार्य नहीं लिखते, क्योंकि ये आपकी वार्षिक पाठ योजना है। और पर्यवेक्षक टिप्पणी, जैसा कि आप डेली लेसन प्लान में लिखते थे, दैनिक पाठ योजना में लिखते थे, उसे भी इंगित नहीं करते। आप मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे, मूल्यांकन प्रश्न करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किन निर्देशों का पालन करना चाहिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। बात की हमने डायरी लेखन की, तो डायरी लेखन का एक ये छोटा सा वीडियो हमने इसलिए डाला है कि आप तुरंत इसको देखें और अपनी डायरी बनाने के लिए शुरू हो जाएं। धन्यवाद।